What is up guys, कैसे हो आप लोग? So today I wanted to create this video to share an update with you. So guys, this is the place that I used to park my Adventure 390. And since this place is vacant, I wanted to let you guys know that I have sold out my KTM Adventure 390. Yes, it was almost a brand new motorcycle, which I bought sometime in December last year. I just done almost 2000 kilometers on it. I bought that motorcycle in December से लेके मई मिड तक मैंने उस बाइक को अपने पास रखा. सो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 months इज व्हाट आई केप्ट दैट मोटरसाइकिल विद मी. एंड 5 months में एडवेंचर 390 के साथ मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करी. व्हाई आई से दैट इज बिकॉज एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट हेयर, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरी एंड ड्रामा हेयर. आई जस्ट कुड नॉट अडेप्ट टू द सिंगल सिलेंडर इंजन, द सुपर वाइबी सिंगल सिलेंडर इंजन ऑफ द एडवेंचर 390. कमिंग फ्रॉम द टाइगर 800, दिमाग में वो फील थी कि यार एक मोटरसाइकिल स्मूथ होती है, उसको चलाने की आदत पड़ चुकी थी. एंड उसके बाद जब एडवेंचर 390 पे आया, मैंने उस बाइक के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए पूरे 5 महीने दिए. उन 5 महीनों में आई फाउंड आउट सम बिग लिमिटेशंस ऑफ द मोटरसाइकिल विच वर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन जिसने पहले एक मल्टी सिलेंडर हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल चलाई हुई है और वो एक छोटी मोटरसाइकिल पे आया है. बाय नो मीन्स आई वांट टू से दैट द एडवेंचर 390 इज अ बैड मोटरसाइकिल इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, इन द 4.2 lakh rupees सेगमेंट नाउ, स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉन्च ऑफ द वर्जन विच हैज द WP Apex एडजस्टेबल सस्पेंशन. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स दैट यू कैन बाय. बट फॉर मी कमिंग विद दैट पर्सपेक्टिव ऑफ राइडिंग अ बिगर मोटरसाइकिल, मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होने लग गया था उस मोटरसाइकिल के साथ अडैप्ट करना का मतलब ये था कि एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि बाइक मेरी पार्किंग में खड़ी थी एंड मेरा ना उस बाइक को देख के पता नहीं चलाने का ही दिल नहीं हो रहा था. एंड व्हेन यू गेट दैट फीलिंग, यू नो यार बाइक खड़ी हुई और आपको फिर भी, संडे है सैटरडे है, आप फिर भी नहीं चला पा रहे, दैट मीन्स कुछ तो रॉन्ग है एंड कुछ तो ऐसा गलत है मेजर जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years ऑफ राइडिंग ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स, द ट्रिपल सिलेंडर टाइगर, आई हैड डन दिस एक्सपेरिमेंट टू सी कि क्या मैं छोटी बाइक पे एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट हेयर, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे से वो एडजस्टमेंट फ्रेंकली स्पीकिंग हो नहीं पाया. ऑल्दो ऑन स्पेक्स द मोटरसाइकिल इज वेरी ग्रेट, इट इज़ लाइट वेट 170 kg एंड ईजियर टू मेंटेन देन अ बिगर मोटरसाइकिल. ऑल दोज फैक्टर विच आईव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज वेर आई टॉक्ड अबाउट वाई आई मूव फ्रॉम अ टाइगर 800 टू एडवेंचर 390. बट एक्चुअली जो एक्सपीरियंस था बाइक चलाने का, उसके साथ मैं सेटल डाउन नहीं हो पाया. सो देर वर आई थिंक 3 main reasons जिसके कारण मैं एडवेंचर 390 के साथ अडेप्ट नहीं हो पाया. एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू गाइज. अगर मैं एक वीडियो ऐसा बना सकता हूँ कि टाइगर 800 से एडवेंचर 390 पे आया, सो एक वीडियो मैं अपनी गलती मानने के लिए भी बना सकता हूँ. एंड दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट इफ एनी वन इज ट्राइंग टू फॉलो दैट सॉर्ट ऑफ अ रूट दैट आई एम टेकिंग, दे कैन थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन. द फर्स्ट रीजन इज द वाइब्रेशंस ऑन द मोटरसाइकिल. एडवेंचर 390 पे जो वाइब्रेशंस है ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा हैं. इतनी ज़्यादा हैं कि उस सेम कैटेगरी की मोटरसाइकिल में, वट एवर जो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स आती हैं उस कैटेगरी में, उससे भी आई थिंक अबाउट 50-60% ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं उस मोटरसाइकिल में. एंड फॉर मी कमिंग फ्रॉम अ स्मूथ ट्रिपल सिलेंडर इंजन, वो मैंने बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने की कोशिश करी उस मोटरसाइकिल के साथ कि कोई बात नहीं, वाइब्स हैं अच्छी, हाई स्पीड पे बढ़िया चलती है, टॉप एंड बढ़िया है एंड ऑल दैट. वो सारी कहानियाँ मैंने अपने आप को समझाने की काफ़ी कोशिश करी, बट वो जो लो स्पीड वाइब्स हैं वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी कि मैं उनसे एडजस्ट नहीं कर पाया. इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये था कि मैं प्लेन्स में नहीं रहता एंड आई एम स्टेइंग समवेयर इन द माउंटेन्स, लाइक यू सी अ प्लेस लाइक दिस विच इज़ ऑलमोस्ट नियर मनाली. सो यहाँ पे ट्विस्टी रोड्स पे आप ज़्यादा तेज ना मोटरसाइकिल को भगा नहीं सकते कि आप कॉन्स्टेंटली 120-130 पे चला रहे हो एंड उसके हाई, उसके बढ़िया टॉप एंड को आप इंजॉय कर रहे हो. सो वो चीज़ तो हो नहीं रही थी, उसके कारण हो ये रहा था कि लो स्पीड पे चलाने में इतनी ज़्यादा वाइब सी के परेशान हो गया था. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई कुड नॉट एडजस्ट विद ऑन द एडवेंचर 390. द सेकेंड रीजन वॉज द कंप्लीट राइडिंग ज्योमेट्री. सो
थोड़ा सा ना वियर्ड एडवेंचर 390 में एक चीज एंड मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एंड आई थिंक फोक्स हु आर लाइक 5'11" 6'6'1" इन हाइट, उन लोगों को ये बात थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। एक तरफ तो बाइक की जो सीट हाइट है एडवेंचर 390 की वो है 850 mm, विच इज़ सूटेड फॉर टॉल राइडर्स। फॉर राइडर्स हु आर लाइक 5'8" 5'7" उनको तो फ्लैट फुट करना मुश्किल हो जाता है उस मोटरसाइकिल पे। ठीक है, अगर आपने ऐसी बाइक बनाई जिसकी सीट हाइट ऊंची है तो बाकी राइडिंग ज्योमेट्री तो ऐसी दो जिससे अगर लंबी हाइट का बंदा उस पर बैठ के बाइक चलाए तो उसको ठीक फील हो। बट नहीं, KTM ने कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनाई है कि सीट हाइट तो ऊंची है बट जो हैंडल बार की रीच है उसमें एक ऐसा पोस्चर बनता है, स्पेशली सैडलिंग करते हुए पेग्स पे खड़े होकर बाइक चलाते हो ऑफ रोड पे, तो एक अजीब सा ऐसा पोस्चर बनता है कि मेरा सारा वेट ना फ्रंट हैंडल के ऊपर आ जाता है। ऐसे में आगे स्लाउच होकर बाइक चला रहा था, उसको ठीक करने के लिए मैंने राइजर्स लगाए, 2-inch राइजर्स लगाए, एंड उस ज्योमेट्री को ठीक करने के लिए मैंने राइजर्स के अलावा फुट पेग्स को भी चेंज किया। फुट पेग्स को ऑफ रोडिंग फुट पेग्स में चेंज किया जो मोटर एन के आते हैं, फ्लैट फुट पेग्स, जिससे एडवेंचर 390 का जो एंगल्ड फुट पेग है वो फ्लैट हो जाए। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई ट्राइड फ्रॉम द टो टिल द हैंड, सारी चीज़ें जो कनेक्ट होती हैं बाइक के साथ वो सब मैंने चेंज करने की कोशिश करी, बट वो एक जो परफेक्ट राइडिंग पोस्चर होता है वो ठीक आ ही नहीं पा रहा था उस बाइक में। दैट वॉज अ सेकेंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन विच आई फेल्ट वॉज totally ridiculous on the Adventure 390 was the windscreen, the wind protection I should say. So stock windscreen we know is just best, is just good for off-roading, right? वो इतनी छोटी सी जो windscreen आती है Adventure 390 की, so उसको ठीक करने के लिए मैंने GV की बड़ी वाली windscreen भी लगाई। I think अच्छी खासी महंगी windscreen थी, उसको हमने try किया, but उस windscreen को लगाने के बाद भी इतनी ज़्यादा vibes translate हो रही थी motorcycle से windscreen पे कि वो almost always all the time हिल रही थी, and it was acting like a total nuisance. मतलब बाइक चलाने का लो स्पीड राइडिंग का एक्सपीरियंस, लो स्पीड मतलब यार 30-40 कभी तो रोकोगे बाइक को, कभी तो धीरे चलाना पड़ेगा आपको, वो उस पर चलाना इट वॉज जस्ट पैथेटिक। आई गिव यू अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि मेरा कनेक्शन उस बाइक के साथ कितना पुअर था, कि आई डू द ट्रिप फ्रॉम मनाली टू दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ, बाइक खड़ी होती थी एंड मेरा दिल नहीं करता था राइड करके जाने का दिल्ली। मतलब मुझे अगर बाइक मिले राइड करने के लिए फ्रॉम मनाली टू दिल्ली, आई विल ऑलवेज टेक दैट एज एन ऑप्शन रादर देन गोइंग बाय बस और गोइंग ऑन माई इसुजू, बट स्टिल मेरा अपने आप ही कभी दिल ही नहीं करा उस बाइक को चलाने का लॉन्ग डिस्टेंस पे। आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग मिसिंग। अब इस पेन को मैं कैसे समझाऊं, इस फीलिंग को मैं कैसे समझाऊं, थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए समझना जिन्होंने कभी हाई कैपेसिटी वाली एडवेंचर बिग एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल नहीं चलाई। अगर आपने वो चलाई है आप उस चीज़ को शायद समझ पाओ। कुछ लोग ज़्यादा अच्छा एडजस्ट कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द कंप्लीट ट्रूथ हियर। सो इन तीन मेन रीजंस के कारण, द वाइबी कैरेक्टरिस्टिक्स, द I would say the messed up riding position, and third, the bullshit wind protection that the motorcycle offers in the name of an adventure touring motorcycle, these things were a complete deal breaker for me. Still, I'm saying in that segment of 3.5 to 4.5 lakh rupees, it is the best motorcycle that you can buy to do a lot of things right, provided you haven't experienced the bigger ADVs that provide a next level fun. So, ab situation kya hai aaj ki, wo main batata hoon. Adventure 390, as I told you, is sold off. I actually met one of the subscribers or followers on Instagram, right, who saw my ad on OLX. He contacted me and uske saath deal ho gayi, and I sold off the bike at a decent price. 5 mahine mein itna zara depreciate nahi hui thi. So now we are right now again in the market to buy a bigger adventure touring motorcycle. So yes, you can say lot ke buddhu ghar ko aaye, wo applicable hota hai. But jab aap ek ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो कि बाइक को देखने के बाद आपका दिल ही ना करे उसको चलाने का, तो आई गेस इट्स बेटर टू सेल इट ऑफ एंड गेट बैक टू व्हाट यू लव। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर वन मोटरसाइकिल दैट इज going to serve me for the next 5 to 7 years. That is my plan. Let's look at the road ahead. So what are the options I am considering? I am looking for a middleweight
adventure touring motorcycle. So I'm definitely not looking at the BMW 1250 GS. 25 to 27 lakh rupees on road is something that is totally out of question, and I cannot justify that sort of an investment, because I would not be riding every weekend, doing long rides on every weekend, right? I'm not a full-time traveler. So that's why I'm looking at a middle category. Now the middle category is full of options. There is a Suzuki V-Storm 650, which is a capable motorcycle, but uska jo instrument cluster hai itna zyada purana hai, aisa lagta hai ki uska update abhi aane wala hai, ek ded 3-4 mahine mein aane wala hai. So I think that motorcycle is due for a big overhaul and an update from Suzuki. The second option that is out there in the market is the BMW 850 GS. It is an amazing motorcycle, very capable. So that is one option that I'll be considering. Apart from that, the other option that I'm considering is the Tiger 900 Rally Pro. Getting back again to the Tiger is a good possibility, because I love the overall character of the motorcycle. And the other motorcycle that I'm considering is the Africa Twin, which is in the same price bracket as the Tiger 900 Rally Pro. The Africa Twin, the Tiger 900 Rally Pro, and the BMW 850 GS. These three motorcycles are on the hit list right now, and hopefully I'll be finalizing this motorcycle in the next couple of days, and the plan is to get that motorcycle home in the next week or 10 days. So that is where I am right now. I thought I'll share this update with all of you guys, because now is the time that we are out in the market, and that exciting phase is starting where we'll be picking up a new motorcycle which will be our long-term partner, entering into a long-term relationship with that motorcycle. In the meantime, I would love to hear from you guys ki aap log kya chahte ho, kaun si bike leni chahiye isme se. So which is the motorcycle you would want to see me riding for the next few years? The Tiger 900 Rally Pro, or the Africa Twin, or the BMW 850 GS? Let me know in the comment section below, because abhi kafi zyada confusion chal raha hai in teeno bikes ke beech mein, and we'll be picking one and going for it. Depending on what you guys think, what I think, it's going to be a combined decision. So I will wait for your feedback. So that is the update that I wanted to share. I hope you guys will share your opinion in the comment section, and we'll get to a conclusion very soon. I'll see you in the next one, guys. So stay tuned to the 23 Rides channel, and let's keep going. Bye-bye.